है जो कि अभी ज्यादा नहीं पूछता, पहले का नाम बहुत पूछता था ऐसे 570, और आपका जवाब ही पूछता है 570 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अभी आप मत करिएगा साई लक्ष्मी, आपको दरकार नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर पढ़ने का ही जितना शौक ऐसे तो वो भी ज्यादा पूछते हैं। तो बेसिकली हाँ, तो मैंने जो देखा अभी अभी जब एक बार ग्रुप में लिख दीजिए ना, आई मीन फटाफट, ठीक है। फटाफट लिख दीजिए। सर, आई हैड वन बोलिए। डाउट। माई मैनेजर हु टूडे ऑफ टाटा स्टील, दे आस्क्ड हिम क्वेश्चन दैट देर आर सर्टन इन्वेंटरी इन द हाँ, जोर से ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा, एंड आवाज नहीं आ रहा है आपका। बोलिए। टुडे माई फ्रेंड गेव ए इंटरव्यू ऑफ टाटा स्टील, दे आस्क्ड क्वेश्चन दैट देर इज इन्वेंटरी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन इन्वेंटरी सम पार्ट्स ऑफ इन्वेंटरी दे कंज्यूम आर यूज फॉर कंजम्पशन एंड अदर पार्ट्स आर फॉर सम अदर यूज। हाउ वट विल बी द अकाउंटिंग, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज बोथ? समझा नहीं क्वेश्चन आपका, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। थर्ड हो रहा था एक, क्या बोला अदर यूज, क्या बोला था समझा नहीं, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अभी आपको बेसिकली क्या है ना, मेरे को कर दीजिएगा, जो जो क्वेश्चन होगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मेन चीज आपका जो देख रहा है, इंडेस आप अच्छा से गो थ्रू कर लेना, एक्सेल शीट नंबर वन, ठीक है। इंडेस आपको अच्छा से गो थ्रू करना है, इंडेस 115 116 सबसे जरूरी है आपका। डेफर टैक्स एसेट पता है क्या होता है? डेफर्ड टैक्स एसेट मीन्स टैक्स एज पर लॉ, इनकम टैक्स एक्ट इज टैक्स एज पर कंपनीज एक्ट इज डेफर्ड टैक्स एसेट। हाँ, टेम्पररी बस ऑन डिफरेंस बिटवीन द, टेम्पररी डिफरेंस, टेम्पररी डिफरेंस टैक्स बिटवीन द ऑन इनकम एज डेफरेंस पर द होता बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इनकम एज पर द टैक्स लॉस, वही होता है। है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, इफ एज पर इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिसिएशन इज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, बट इन इन कंपनीज एक्ट सॉरी अपोजिट बोल दी वो टेन इफ देर इज अ रेट ऑफ डिफरेंस इन इनकम टैक्स एक्ट एंड कंपनीज अच्छा एक्ट देन देर विल बी डिफरेंस ऑफ टैक्स एसेट इफ एज पर द इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिसिएशन इज 10,000 बट इन कंपनीज एक्ट डिप्रिसिएशन इज 8,000 देन देर विल बी डेफर्ड टैक्स एसेट ऑफ 2,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन सेक्शन 43 भी, अनअमोर्टाइज प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइज प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, और क्या बोला, अनअमोर्टाइज देखिए क्या होता है ना, जो मॉक इंटरव्यू करा उसको तो फायदा होता ही है। अब डिस्कशन कर करके उसका आंसर याद हो गया, जो आया जैसे जैसा आया याद हो गया। अब जो आदमी नहीं आया और खुद से भी कुछ नहीं किया, वो बेकार हो गया। वो जैसे अभी जो जितिन थॉमस है, वो लोग टाइम पास कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बात समझ में आ रहा है ना? वो खुद से करा कुछ नहीं होने वाला लोग, समझ रहे? जो मेहनत करके डेली आता है वो जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन माथा में घुसा लेता है। अब बाकी उसका कम्युनिकेशन स्किल ही है, वो अच्छा से अच्छा वो उसे आंसर दे दे, बस। बात समझ रहे ना? एक अच्छा से फीडबैक दीजिएगा ग्रुप में, बिकॉज क्या होता है ना, बाकी जन आपसे ऐसे होना नहीं है, आता है नहीं, वो लोग घर में बैठ के काम नहीं करता है, तो अब क्या होता है, उनका जल्दी से क्लियर नहीं होता इंटरव्यू। फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट का मैंने देख चुका है, ये प्रॉब्लम के कारण उनका नहीं निकलता है। वो लोग को पहले पहले लगता है भाई निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा, फिर बाद में लगता है मेरे साथ तो जाती हो गया, हम अनलकी है। पर मेन थिंग क्या है, रिलैक्सेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पीपल। अब हमको देखो, हम एकदम भी रिलैक्स नहीं होता है। मैं काम है, तुम काम है, हम अपना बिस्कुट में भी काम किया, कहीं पर भी काम किया, मेरे को कोई 19-20 नहीं बोल सकता भाई तुमने अपना काम को लेके सीरियस नहीं है। काम को लेके सीरियसनेस इज समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप काम को लेके सीरियस है भाई, कोई आपको कुछ बोलने लायक नहीं है, एकदम काम को लेके सीरियसनेस होना बहुत जरूरी है। तो लोगों में सीरियसनेस का कमी है। मार्क्स लाना खाली कोई बड़ा बात नहीं है, मार्क्स आ गया भाई 440 को का, 540 को का, 640, इसी मार्क्स से ही आदमी सोचता है इसका मार्क्स कम है उसका मार्क्स ज्यादा है। मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला है, आपका कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, आपका हैबिट, ये सब चीज आपको सक्सेसफुल बनाता है, आपका डिसिप्लिन, ये सब चीज। मार्क्स 19-20 कम हो सकता है, क्योंकि 30 मार्क्स कम है, कोई 30 मार्क्स ज्यादा है, कोई का इंग्लिश थोड़ा, कोई का ये वीकनेस है, कोई का वो वीकनेस है, बट सबसे जरूरी चीज है हैबिट्स। हैबिट्स बिल्ड करना बहुत जरूरी है लाइफ में।
हैबिट से आगे बढ़ता है। अभी आप स्लो था, अब साई लक्ष्मी को देखेगा, 3 4 दिन पहले कुछ नहीं आता था, पर उसने मेहनत किया तो आगे बढ़ गया। अब भोजन क्या, उसको आता है बहुत कुछ है, पर मेहनत नहीं किया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इट्स ऑल अबाउट मेहनत करना है जबरदस्त लेवल का, समझ रहे ना। एक प्रॉपर फीडबैक दीजिएगा, जिससे क्या होगा ना, कोई नहीं आ रहा तो उसको समझ में आएगा कि हमारे आने से भी कितना कुछ हो जाता, कवर कितना कवर हो गया। जैसा बताइए, कितना कुछ कवर हो गया आपका, क्या मोटा मोटी जब हाँ खुद सर, से बहुत करते हैं सर, तो इतना घुसता नहीं माथा में, राइट, क्या ना सर, हाँ खुद से नहीं होता ये सब चीज, खुद से जितना क्या बताइए, सही लिख में कवर हुआ कि नहीं हुआ, खुद से कर रहे थे, हमसे कराने से कितना फर्क हुआ। मॉक इंटरव्यू के साथ रिविजन भी फ्री में हो गया क्या, हाँ सुन इंटरव्यू तो होता ही है, रिवीजन भी हो गया उसका, ये हम समझा भी दिए करते करते में। अब वो आई थी एमएनए टैक्स वाली, 2 बार कर लिया, अब कुछ नहीं करके आई, अब उसको टेंशन दे दिया, भाई तेरे कुछ हो के नहीं रखा है, उसको जब बोल दिया टेंशन दे दिया, उसका कुछ नहीं हो के रखा है, अब वो रात को जाके सो के पड़ेगी, वो रात का 3 बजे पड़ेगी, 4 बजे पड़ेगी, बात समझ रहे। तो उसको बता भी दे तुम गलती कहां पर कर रहे हो, तो सामने वाला पड़ेगा, ये चीज होता है, फर्क पड़ता है। जो सीरियसली अपना काम करता है उसका जल्दी जल्दी हो जाता है, जो सीरियस नहीं है लेके टाइम के टाइम टानते रहे टानते रहे, उसका होगा नहीं। तो कॉम्पिटिशन ज्यादा है ना, हम लोग का टाइम में क्या, तो छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ के निकालती है, चलो ले लेता है इसको। आजकल का डेट में क्या, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, वैकेंसीज आपको 1,000 है, 25,000 सीए है, तो उन लोग के पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ पूछ के निकलवा देता है। तो अंदर अंदर पूछ लिया, कोई का लक अच्छा हुआ उसको इजी क्वेश्चन पूछ लिया, कोई लक ही नहीं है आपको, कोई ना कोई जगह में वर्जन टेस्ट में निकाल दी, लॉयट यूएसए में जाता है, हम सब कुछ सही कर देता है, वर्जन टेस्ट में आउट कर देता है। तो वही चीज है कि आपको मेन चीज अपना एफर्ट डालना है, मेन करी, और एफर्ट एक बार डाल देते तो इजी है, क्लियर होना बहुत इजी हो जाता है एफर्ट डालने से, समझे ना। वही चीज है, अपने मेन एफर्ट डालना है, तो आपको इन डेज कवर अप करना है, इन डेज अच्छा से खत्म करो। जी और दूसरा टैक्स ऑडिट, दूसरा डेफर टैक्स एसेट हो गया, और डेफर टैक्स एसेट के बाद वो जो मैंने बोला ना, क्या बोला था, टैक्स ऑडिट क्लॉज 44, टैक्स ऑडिट में क्या क्या अमेंडमेंट्स है। इम्पॉसिबल परमिसेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट ठीक एंड है, जीएसटी कंप्लायंस जीएसटी का क्या है सेक्शन 44 में एंड क्या है बताइए, सभी टैक्स ऑडिट का क्लॉज 44 ऑडिटिंग नहीं सर। हो पाया। को मैं तीन चार अनलोड दिन निकल कंप्लीटेड गया उसको, तो सर। स्टेट इंटरनल निकल जाता है पूरा, 3 4 दिन कोई शांति से पढ़ सुना सुनी कर लिया, उसको पूछ लेगा उसका, वो जाके करेगा कंप्लीट, उसका आगे ये भी नहीं आता मेरे को, ये भी नहीं आता, टेंशन हो गया, ये नहीं आता वो नहीं आता है। कर जाके ऐसे उसको अभी स्ट्राइक हो गया मेरे को, कर लेगा सही है। क्लॉज 44 क्या होता है, क्लॉज 44 टैक्स ऑडिट का वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये क्या है, आई तुझे को नहीं डोंट पता नो सर। क्लॉज 44 क्या है, फजल अहमद, फजल मोहम्मद, सर, आई एम नॉट अपडेटेड विद दैट टैक्स टॉपिक ऑडिट एक्चुअली अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी आल्सो, वेरी सर। इंपॉर्टेंट। जीएसटी एक्सपेंडिचर हाँ क्या है उसका बताइए, जीएसटी का सर, जो खर्चा होता जीएसटी है उसका एक्सपेंड, अलाउेंस हाँ का वो डेबिटेड क्लॉज सर। है कि ये एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, दिस एंटिटी इज नॉट एंटर्ड इनटू जीएसटी, दो टेबल है, एक एंटिटी रजिस्टर्ड जीएसटी, एंटिटी नॉट एंटर्ड इनटू जीएसटी, इसका खर्चा अलाउ करेगा, इसका खर्चा अलाउ करेगा, वही तो है, वही है ना Yes. क्या अनुज सा, वही है क्या। हाँ सर, हाँ क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउ होगा, ये एक्सपेंडिचर अंडर जीएसटी, दिस इज एंटिटी नॉट अंडर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो खर्चा वर्चा जो भी है ना पीएनएल का जो खर्चा होता है ये अलाउ होगा, वो उसका ऊपर में हाँ है, बस इतना बोल देगा तो कुछ बोल दिया ना, वही ले लिया वो। और एक टू इम्पॉसिबल अग्रीमेंट है, क्लॉज 26 क्या है, टैक्स ऑडिट का क्लॉज पूछता है, वो पूछेगा टैक्स ऑडिट किया साई लक्ष्मी आपने, तो बोलेगा किया है नहीं किया, बहुत कितना काम किया, की हूँ, क्यों कितना कम की हूँ उसको मत एक बोलना ना, काम करने से एस्केलेट। लेगा नहीं, उसको कितना बोलेगा, 10 to 15 तो किया ही है। क्या सर मतलब एक ठो किया किया ऐसे, हूँ थ्री सर, एक ठो सी किया थ्री हूँ सी डी तो भरना बस। है, फॉर्म तो ऐसे ऐसे ही होता है, नंबर उम्बर चेंज करना है, क्या क्या किया बता उसमें, कितना ठू किया आपने नहीं सर, बताइए, क्या क्या किया उसमें। हम लोग फीडबैक जब देते हैं ना बहुत अच्छा से दिया करिए, अब जो लोग लगता है थैंक यू फॉर एफर्ट्स, एफर्ट्स जो लगता है टाइम पास कर रहा हो गया यहाँ पर बैठ के, उसको पता नहीं, हम रटवा देते हैं आंसर, आपको आंसर रटवा दे रहा है एकदम, ऐसे कोई रटवाएगा नहीं पता है आपको, जिंदगी में रटवाएगा ना, हम सोच में ऑडिट कोचिंग शुरू करेगा ना तो ऑडिट में पूरा फैक्ट्री लगा देगा सीईओ का पास करवाने, हम रटवाने में आ जाता तो किसी को भी रटवा सकता है चीज, लूज हम रटवाने में आ जाएगा तो किसी को भी रटवा सकता है आंसर को, कितना कॉन्फिडेंट है। क्लॉज 44 हो गया आपका, क्लॉज 30 इम्पॉसिबल अग्रीमेंट, और
26, क्लॉज 26। हुंडी इज अ बोर्डिंग ऑन हुंडी। हाँ क्लॉज 26 कुछ और है, ये नहीं था क्लॉज 26। पढ़िए क्या है, क्या इसका था, लिखा भी था इधर मेरी एक्सेल शीट में था। आप लोग खाली ना देखिए, एक्सेल शीट का वो क्या मैजिक है, सर इसमें आप प्री खाली एग्जिस्टिंग कंट्रोल एफ लाइबिलिटी करेगा, देखो जो कंट्रोल एफ करना, वर्कबुक लिखना, टैक्स ऑडिट लिखना, बस ऐसे करके लिखना। प्री एग्जिस्टिंग देखो लाइबिलिटी। देखा देखा आपको कुछ नहीं आ रहा है, जो टाइम बचाना है क्लोज किया ऐसे करके, ये देखो पढ़ ली, ये हो गया, देखा यहाँ पर टाइम कितना बचता है, देखा मैजिक मैजिक खेलते हुए उसका, ये देखिए पढ़ लिए बस, देखा ऐसे करके करना है सिलेक्ट क्लॉज ऐसे करके, बस टैक्स ऑडिट देखिए, ऐसे तो मजा है, बस ऐसे करके सब कुछ पढ़ लिए टैक्स ऑडिट के बारे में। देखिए क्लॉज 36 इम्पर्सिबल, जितना भी आ रहा है टैक्स ऑडिट पढ़ते जाइए, वैसे समझे ऐसे करके, बस यही है ये, ऐसे करके पढ़ लिए ठीक है, ऐसे तो काम होगा जल्दी, समझिए ठीक है। ये देखिए क्लॉज 44 क्या है, डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर दिस क्लॉज 30C 30C, बस खत्म करने देखिए, क्या है रिपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द पेमेंट स्टेटस ऑफ द लाइब्रेरी दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर एंड नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ऑफ एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, ठीक है तो ये आपको याद रखना है, क्या है गंदिया से पेमेंट स्टेटस ऑफ लाइब्रेरी एंड एग्जिस्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर एंड वॉज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ऑफ द ईयर, कोई भी खर्चा जो क्या था, ये समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, रिपोर्ट द पेमेंट स्टेटस ऑफ द लाइबिलिटी दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड इट वाज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछला बार अलाउ नहीं किया था अभी अलाउ कर दिया, समझ में आया साई लक्ष्मी, आया ना समझ में, छोटा कर लेता इसको, समझ में नहीं आया तो समझ में आ रहा है ना, अब दिख रहा है ना, बस वही है कुछ, रिपोर्ट क्या पेमेंट्स ऑलरेडी एक दिन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर एंड नॉट अलाउड ईयर, तो उसको बेसिकली आपको भी बोलना है कि आपने स्टैट इंटरनल रेट सब कुछ किया है, अच्छा कयार से किया है ठीक है, क्या क्या क्लाइंट का काम किया था आपने बताइए, तो कौन सा क्लाइंट का काम किया था नहीं, बेसिकली आप लिख लीजिए, गवर्नमेंट पहले इंडेस इंप्रूव एजेंसीज करना है, इंडेस में 115 116 109 हाँ डेफर टैक्स सिक्स एसेट सेवन हाँ टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट का क्लॉज 26 क्लॉज 30 क्लॉज 44 हो गया, और आपको बेसिकली डीज का जर्नल एंट्री दोनों का में, और लीज क्यों आया था, वही लीज में डिफरेंस क्या क्यों आया था, क्यों आया था यहाँ पर, में क्या था लेसी का बुक्स में, क्या था फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज वहां पर क्या था, ऑपरेटिंग लीज, यहाँ पे राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट एंड वहां पर क्या कंट्रोल, था, गुड वहाँ पे ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज। वेरी गुड वेरी गुड, सब समझ में आ गया ना ये चीज, ये हो गया, और आपका जर्नल एंट्री पास, और क्या डिस्काउंट रेट क्या यूज होता है अनुज, लेसी का बुक्स में डिस्काउंट डिस्काउंट रेट क्या रेट यूज होता है, आईआरआर ऑफ लेसर और लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट व्हिच एवर इज सर लोअर था कि हायर तेरे की था। मैसेज को फोन करने लग गया आदमी, व्हाट्सएप कॉल करता है वो, नॉर्मल कॉल भी नहीं करता है, समझ एक मिनट, सीधे ही कॉल करता है, प्लीज हेल्प मी फाइंड द वैकेंसीज, हम बैठ के वैकेंसी एक आदमी को फोन किया था, क्या आई सॉ योर वीडियो एंड क्रैक्ट इंटरव्यू, नाउ आई नीड हेल्प विथ यू टू फाइंड विच ऑफर लेटर आई शुड टेक, वो हम तुमको बताया ऑफर लेटर भी, तुमको इंटरव्यू क्रैक करते तो शर्म नहीं आया, तुमको ऑफर लेटर भी हमको बताया कि कौन सा हम बोला कौन सा वीडियो देखा, हम उसको उसको कर देगा और लिस्ट कर देगा तो सारे देख ली तुम्हारा शर्म लाज भी दी है, बोलते थैंक यू तो बोला, वो बोला हमको ऑफर लेटर में हेल्प करिए, कौन सा ऑफर लेटर हम आपको दे, उनको ये भी ऑफर लेटर आ गया ये भी आ गया, बोला मेरा आदमी को तो लगता नहीं है लायक हो क्या, तुम्हारा आ गया आ गया, कौन सा ऑफर लेटर ले वो बताइए हमको सारा आ गया, बोलते हैं कोई को बहुत चालाक होता है, सारा देख लेते हैं एक एक जाके, समझे तो वही चीज है। क्या था, तो एक तो क्लॉज 26 हो गया, क्या था ये लेसी का, क्या था डिस्काउंट रेट, क्या था अनुज सा, क्या था डिस्काउंट रेट, बोलिए डिस्काउंट रेट क्या था, जैसे इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल बोरोइंग सर रेट, हाँ अगर आई आर ऑफ लेसी ले अगर नहीं होगा तो इंक्रीमेंटल बोइंग रेट ऑफ लेसर लेंगे। गलती बता दी आपने, आप ही उल्टा बताया आपने, लेसी लेसर का आईआरआर होता है ना, लेसर तो आईआरआर देखेगा ना अपना, और लेसी बोरिंग रेट देखेगा, लेसर तो सॉरी हाँ आईआरआर सर लेगा ना, हाँ सोच के देखो ना खुद भी, लेसर आईआरआर, लेसी देगा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट अगर लेसर का आईआरआर नॉट अवेलेबल, ठीक है ये चीज हो गया,
एसिड का कंपोनेंट क्या क्या होता है? आरओयू एसिड का कंपोनेंट क्या सर होता मुझे है? पढ़ना क्या पड़ेगा इंडेक्स। होता है? कोई नहीं पता क्या होता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी है। हाँ और कुछ एट द बिगनिंग कुछ जो भी इनिशियल डायरेक्ट शुरुआत कॉस्ट, इनिशियल डायरेक्ट वही कॉस्ट कुछ भी लगा। और आप प्रेजेंट जब वैल्यू ऑफ गाड़ी खरीदता है ना, डिसमेंटलिंग। जब गाड़ी खरीदता है तो कुछ लायबिलिटी देता है, कुछ ब्रोकरेज वगैरह देता है, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट देता है, ब्रोकरों को पैसा देता है, कमीशन देता है, ऐसे तो कॉस्ट होगा। और क्या है? और डिसमेंटलिंग टर्मिनेशन कॉस्ट, क्लॉज होगा। टर्मिनेशन, तुम अगर इतना दिन में छोड़ दिया तो कुछ टर्मिनेशन क्लॉज लगा देगा तुम्हारे ऊपर में। और घर को याद करिएगा, घर खरीदने के टाइम क्या क्या खर्चा लगता है वही है। और बिफोर रिडंडेंसी कमेंसमेंट सब्सिडी। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, हाँ बिफोर कमेंसमेंट डेट एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, हाँ तुम वो मान के नहीं। चलो आपने कोई लिया प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लिया, अंडर कंस्ट्रक्शन भोजन लेता है ना घर में, तो उसका कोई खर्चा है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, वो सब घर को याद रखे। ब्रोकर को खर्चा दिया, वो दिया। आप अगर 5 साल से पहले अगर छोड़ देगा तो टर्मिनेशन क्लॉज लगा देता है, पेनल्टी वो सब, तो पहले नहीं छोड़ सकता है। तो सब चीजें याद हो गया ना, घर देखे याद हो जाएगा आरओई एसिड का कॉम्पोनेंट। देखिए याद करना है ना, आपको याद करना ही नहीं आता है, प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ा, याद करना ही नहीं आता है। हम लोग याद करते हैं याद हो जाता है, क्योंकि हम कहानी बना के याद करते हैं। हम हमेशा कोई भी चीज को कहानी बना के याद करता है, रियल लाइफ इंसिडेंट से देख लेता। अगर हम घर खरीदता तो मेरा ये खर्चा लगता था, आरयू एसेट आइडेंटिफेबल एसेट, आई विल थिंक इट एज माई स्पाउस, कि अगर मेरा स्पाउस होगा तो आइडेंटिफेबल एसेट, कि सप्लायर डज नॉट हैव द सब्सक्रिप्शन राइट एंड द कस्टमर हैज यूज्ड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द एसेट, तो हमको याद हो गया। तो स्टोरी बना के याद रखेंगे, जिंदगी में हमेशा याद रहेगा। ऐसे आदमी कैसे याद करता है? याद किया, कुछ याद नहीं रहता उसको। लॉन्ग टर्म याद करना है, लॉन्ग टर्म याद ऐसे करिए कि एक बार याद हो जाए वो एकदम लॉन्ग टर्म तक याद रहे चीज, भूलना नहीं है चीज को। ये ब्रेन में बहुत ताकत होता है, एक बार याद करना, लॉन्ग टर्म याद रहने का आदत है। कैसे याद रहेगा? स्टोरी बना के, रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करिए, अपना रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करने का कोशिश करिए। कोई भी चीज को आपको हमेशा याद रहेगा उस चीज, यू विल नॉट फॉरगेट दिस थिंग्स। पीपल प्रॉब्लम वही तो है ना, इंसान को याद, आपने आप याद कैसे करता है? अभी याद किया और अपने बोलता है इसको तो मेरे को 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, वो रोबोटों का तरह याद करने की कोशिश करता है। इंसान और रोबोट में क्या फर्क रह जाएगा? हम लोग रोबोटों का तरह याद करने का कोशिश करता है कि अभी याद किया, फिर हमको 4 बार और रिवाइज करना है, नहीं तो हमको याद नहीं होगा। एक तरीका हुआ क्या याद करने का, है ना? आपको याद करने का तरीका सीखना पड़ता है, बहुत लोगों को याद करने का तरीका याद नहीं है। अब आइडेंटिफिकेबल एसेट है, भूलेगा नहीं। एक तो नाम में सब कुछ है, आइडेंटिफिकेबल एसेट, एसेट विच कैन बी आइडेंटिफाइड, है ना? तो नाम में सब कुछ है, नाम से भी थोड़ा सोचेंगे तो कुछ कुछ निकल जाता है। टैक्स ऑडिट क्लॉज 26 क्या है? क्या है क्लॉज 26? अभी तो कराए थे, भूल नहीं गए। वो मतलब ऑडियो कट गया था, मतलब सुनाई नहीं दिया, 26 क्या बस था दो ही सुना सब में बताइए, क्लॉज 26 दिया। सम वही तो पेमेंट्स दिखता आर है। बी डिडक्टेबल, सम पेमेंट्स आर हाँ बी डिडक्टेबल ओनली इफ इट इज एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। जो अलाउ नहीं था लास्ट टाइम में, देखिए हम आप पीछे दिखा देते हैं आपको, जो अलाउ नहीं था लास्ट टाइम अभी अलाउ किया है, विच वाज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। कुछ ऐसे ही था ना, देखिए विच वाज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड दिस वाज अलाउड इन द एग्जिस्टिंग ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्या सब कैसे है? ठीक है, आप लोग सेक्शन पढ़ाई फोर्टी को थ्री मजाक भी से याद करेंगे रहना तो जल्दी याद होता है। चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ लायबिलिटी दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, इट इज नॉट अलाउड इन द, इट वाज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, बस इट वाज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स, ऐसे करके याद हो जाएगा ये। इट वाज रिपोर्ट द पेमेंट स्टेटस ऑफ लायबिलिटी इज नॉट एग्जिस्टिंग, तो डिफिकल्ट लाइन है याद करना, पर जितना ऑडिटर इज गॉट टू रिपोर्ट द पेमेंट स्टेटस ऑफ द लायबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड इट वॉज नॉट अलाउड इन द, इसका बस एग्जाम्पल क्या हो बस सकता है, कोई दे सकता है? 43 भी सर, सेक्शन 43 भी। हाँ सेक्शन 43B का बात कर रही है। सेक्शन 43B क्या है बताइए? कैश साई बेसिस सर, लक्ष्मी, कैश बेसिस में, कैश बेसिस, जो पेमेंट बेसिस में होता है, याद है सेक्शन एक्चुअल फोर्टी थ्री बेसिस, पेमेंट ऑन एक्चुअल एग्जाम्पल बेसिस, हाँ एग्जाम्पल गवर्नमेंट म्युनिसिपल टैक्स, टैक्स, वर्कर, बोनस, बोनस वर्कर का म्युनिसिपल मेडिकल टैक्स, एम्प्लॉई, रेलवे या फिर इक्विपमेंट टेम्पररी यूज, डिफरेंस का भी है, टेम्पररी डिफरेंस का भी है, एक्सपेंडिचर, ये सब पीडब्ल्यूसी ने पूछा है ये सब क्वेश्चन, रजिस्टर्ड, ये सब चीज। तो मोटा मोटी हो गया आपका, ठीक है। आप क्लाइंट कौन सा एक आपको पूछ सकता है, कैश लॉस का क्या होता है? कैश लॉस पूछा था भुजन को,
कैश लॉस का क्या होता है? कैश लॉस कैश बेकअप बताइए कैश लॉस लॉस का। प्रॉफिट, कैशलेस आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग ऑल, क्या होता है पढ़ी थी सबने बताइए बोल कैश नहीं लॉस का पा क्या होगा? रहे। अब याद करा देगी एकदम से। कैश लॉस का बताइए क्या होगा सभी कैशलेस अनुसार? सर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन ऐड करके चेंजेस आप लोग ने इन। कैश लॉस, आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाया होगा कभी ना कभी, सीएफओ बनाया ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशन, हाँ तो उसमें हमेशा वही देखिए वही कैश वही प्रॉफिट आता है ना, कैश प्रॉफिट आता है ना, हम लोग हाँ हमेशा प्रॉफिट हाँ निकाले, वो लॉस निकाल दीजिए उसका, हो गया। अच्छा तो जो अच्छा कैश वही तो है और क्या है, और कैश लॉस कर दे तो आने लगा कुछ अलग होगा, वही चीज है। समझे? तो जो सीएफओ निकालता था तो प्रॉफिट निकालता था, तो वही चीज लॉस हो गया, तो हो गया। समझ पे आ गया? जैसो समीम ये पूछा था कि कैश लॉस का ब्रेकअप बताइए, तो जो कैश फ्लो ऑपरेशन था तो नेट प्रॉफिट एड डेप्रिसिएशन वर्किंग कैपिटल चेंजेस वगैरह ऐसे करके कुछ ना कुछ बोल दीजिए, सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था शेड्यूल थ्री में, 11 रेशियोज बताओ जिसमें 25% से ज्यादा चेंज होने से वो बताना पड़ेगा, क्या 11 रेशियोज है बताइए तो सही। लक्ष्मी रेशियोस, नहीं पता ना, लिक्विडिटी सारे रेशियो का नाम बता रेशियोस, दीजिएगा, सारे रेशियो बता दीजिएगा, डेट इक्विटी रेशियो, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी, कुछ तो सही हो ही जाएगा ना, आधा से आधा था। क्या क्या रेशियो था इसमें लिखा है? सब रेशियो लिख के रखा है इसमें, ये पढ़ लीजिएगा पेपर में। देखिए इसमें सब रेशियो अभी पूछा था, ये देखिए ना, करेंट प्रॉफिट ट्रेड पेबल ट्रेड रेशियो याद करने का क्या दरकार है, ऐसे ही याद हो जाएगा। रिटर्न ने आर वही आधा ज्यादा राइट कर ही देगा, है ना। कैश लॉस ऐसे मोटा मोटी याद कर लीजिएगा, जो अपने सीएफओ टीएफओ से ये पूछा है अभी, ये सब चीज पीडब्ल्यूसी भी पूछा था, ये सब अंदर अंदर घुस के पूछता है लोग, सिक्योरिटी जो कितना अंदर क्यों पूछता है वो जो इंटरव्यूअर उसको पूछा कैश लॉस का बताइए आंसर, बाद में इसको पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, उसको पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, और कैश लॉस का आंसर बताइए। आई नीड टू नो द कैश लॉस का आंसर, बोले गूगल कर, बोले आई विल टू नो गूगल कर ली, तो इसी तो वही मतलब उसको रिजेक्ट भी कर दिया। उसको लगा यू है लड़की में, हमको बोला इको रिजेक्ट भी कर दिया, तो हमेशा बोला हम्बल है ना। ओके हाउ व्हाट वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस, तो 11 रेशियोस ये सब चीज पूछ लेता है, तो आपका मोटा मोटी हो गया। टैक्स ऑडिट हो ही गया, क्लॉज 26, क्लॉज 30, क्लॉज 44 तो याद हो ही गया, एंटिटी रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड उसका मोटा मोटी निकाल दिए, 16 मेरे हिसाब से हो ही गया, और 5 स्टेप मॉडल आता ही है, रेजिट वाला आता ही है आपको, कंट्रोल ट्रांसफर पीरियड ऑफ टाइम आता है, डिफर देयर इज टैक्सेशन अमेंडमेंट आता इन प्रिसेप्टिव है। हाँ टैक्सेशन, देयर इज हाँ अमेंडमेंट इन प्रिसेप्टिव टैक्सेशन, प्रिसेप्टिव किसमें? टैक्सेशन इट्स लिमिट चेंज्ड। अब बजट अमेंडमेंट पढ़ा है, हां बहुत पूछेगा, बजट अमेंडमेंट पढ़ा है साई लक्ष्मी? बजट अमेंडमेंट बहुत बजट इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट डाउनलोड सात करके रखेंगे, रखी हूँ डाउनलोड करके, बस वो पता है वो स्लैब रेट लाख तक का टैक्स नहीं लगेगा और चेंजेस क्या है, 7 लाख तक नहीं एक बना के दीजिएगा एक्सेल शीट में, अपडेट कर लगेगा। लेंगे अपना बजट अमेंडमेंट, बहुत जरूरी है अभी, हमको बना के दीजिएगा ये एक्सेल शीट में, अपडेट कर लेंगे। और हाईएस्ट टैक्स रेट 37% और 25% आया है, तीन चार और क्लॉज बताने ये की खुशी सब। हो जाएगा, वो तीन चार टू बताने, ज्यादा नहीं बताने का दरकार है, तीन चार टू बना दीजिएगा वो खुशी हो जाएगा, और क्या है। और तो ईएम पैराग्राफ एक की ऑडिट मैटर पढ़ दीजिएगा, की ऑडिट मैटर क्या होता है? किया ईएम पैराग्राफ तो हो गया ना लिटिगेशन वगैरह जो कि फाइनेंशियल, ई ऑडिट मैटर जो मैटर्स बहुत की होता है, जैसे आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये सब चीज, इंडेस डीजेस वगैरह, डिस्क्लोजर को ही ज्यादा करके बोलता है, उसमें कुछ की लग गया उनको ऐसे करके बता दिया, की ऑडिट मैटर भी बहुत जरूरी था। मुझे की ऑडिट ईएमपी में क्या फर्क है, ईएमपी पर लिटिगेशन वगैरह हो गया, ईएमपी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, पर वो एक बार एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से समझ में आता है, तो एक बार देख लीजिएगा एनुअल रिपोर्ट, कोई कोई डाउनलोड करेंगे दोनों चीज लिखा रहता है, कंट्रोल एमआरई का की ऑडिट मैटर, अब वो देख लीजिए की ऑडिट मैटर और ईएम पैराग्राफ, और अच्छा की ऑडिट मैटर का रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो भी डिस्क्लोजर रहता है ना, लीजेस एफबीटी पे ओसीआई ये सब भी पूछते हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पूछ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे 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 कैलकुलेट होता है, क्या होता है, क्या होता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पूछता है, ये बहुत पूछता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट ये लॉस, क्या इंडिया है है, ना। ट्रेड हाँ रिसीवेबल का सर प्रोविजन निकालने के लिए ट्रेड रिसीवेबल का प्रोविजन निकालने के लिए एक्सपेक्टेड होता है, इसमें 12 मंथ का ईसीएल होता है और एक लाइफ टाइम ईसीएल होता है, लाइफ टाइम। हाँ लाइफ टाइम कब होगा जब रिस्की होगा तब,
ये पढ़ लीजिएगा, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का जर्नल एंट्री भी पूछ लेता है, तो क्या है आपको भी देखना है, वो बहुत पूछ रहा है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इंडेक्स 109। थोड़ा थोड़ा फटाफट देखिए गूगल करके तो मिल जाएगा, तो लिख लीजिए अभी फटाफट एक्सपेक्टेड इंडिया तो बहुत पूछता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, उसका जर्नल एंट्री 12 मंथ ईसीएल, और ये लाइफ टाइम नीचे लंबी लिखवाया था, ये हो गया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, और क्या था, और आपका ये एबीटीपीएल ओसीआई ये सब बहुत जरूरी है। देखिए एबीटीपीएल पीएल प्रॉफिट एंड लॉस मतलब हेल्ड फॉर ट्रेडिंग लिख लीजिए, एमोर्टाइज कॉस्ट हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, जैसे जी डिवेंचर्स हो गया उसमें खाली इंटरेस्ट प्रिंसिपल लेना, मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बॉन्ड डिवेंचर वगैरह, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी एमोर्टाइज कॉस्ट, पीएनएल क्या होगा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स हो गया, एक होता है आपका ओसीआई जो कि आपका हो गया हेल्ड टू सेल बिफोर मैच्योरिटी, सेल हेल्ड टू सेल बिफोर मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी तक हेल्ड नहीं करेगा पहले ही सेल कर देगा, तो ये चीज पूछ सकता है कब 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 लोग, वो हो गया आपका हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, और अमोर्टाइज कॉस्ट कब होता है हेल्ड फॉर मैच्योरिटी राइट, जी अमोर्टाइज कॉस्ट कब होता है जी लिखते जाइए, अमोर्टाइज कॉस्ट हेल्ड फॉर मैच्योरिटी और ओसीआई हेल्थ टू सेल बिफोर मैच्योरिटी और पीएन और एपीटीपीएल बिल्कुल सही। सर अगेन एबीटीपीएल एक मिनट रुकना, दो कस्टमर आए हैं इनको दे देते हैं। एक मिनट हो, एक मिनट, क्या था आईपीटीपीएल ओसीआई हो गया, वो सब चीज हो गया ठीक है, एक मिनट रुकेगा। भोजन को जब वो बोलते हैं ना आई एम अंडर सेशन तो विश्वास करता नहीं है, लगता टाइम पास कर रहा होगा सब मिलते हैं, लगता टाइम पास कर रहा होगा, ऐसे कैसे हो रहा है ठीक है, हम क्या बोला था एबीटीपीएल ओसीआई ठीक है, एबीटीपीएल ओसीआई और क्या था, सी पीटीओ सी ठीक है ठीक है, आपका बेसिकली आप देख लो इंडेस अच्छा से करना है, वो एक्सेल शीट से खत्म कर दीजिएगा, दूसरा टैक्स ऑडिट खत्म करिए फटाफट करके, क्लॉज 26 क्लॉज 44 वो, और क्या था क्लाइंट का एक्सपीरियंस फ्रॉड्स बता दीजिएगा, पेरोल वाला बता दीजिएगा, पेरोल आपका 300% से इंक्रीज हो रहा था ये इतना से इंक्रीज हो रहा था, और आप फेक सेल फेक परचेज गोस्ट एम्प्लॉइज ऐसे याद रखिए, फेक सेल फेक परचेज गोस्ट एम्प्लॉइज 25 घोषित था, फेक सेल देखिए फेक सेल फेक परचेज, यहाँ पर सेल होता है ना यहाँ पच्चीस परचेज होता है, नीचे हाँ गोस्ट हाँ एम्प्लॉइज ओवर कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन और पीपी ऐसे करके याद पीपी रहेगा ठीक है, ऐसे करके लाइन एंट्री याद रहेगा, ओवर कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन और पीपी ऐसा भी याद रहेगा ऐसे करके,
पेरोल का एक्सपेंसेस वर इंक्रीज बाय 300%, बट सेल वाज ओनली बाय 100%, वेयर लेटर ऑन वी आस्क्ड दैट इट वाज सेड कि लेबर स्ट्राइक इट वाज, बट देयर वाज नो लेबर स्ट्राइक, इट वाज डन जस्ट चेक देके कैश ले रहा था, इस तरीके का ट्रांजेक्शन आई आस्क्ड ऐसे करके। फिर पेमेंट विदाउट थ्री वे मैच, थ्री वे मैच क्या होता परचेज ऑर्डर, है? इनवॉइस एंड गुड्स रिसिप्ट नोट। अच्छी, क्या था? हाँ हाँ बोलो। पीओ इनवॉइस एंड गुड्स रिसिप्ट नोट, थ्री वे चेक। हाँ, पीओ इनवॉइस जीआरएन, पीओ इनवॉइस जीआरएन, पीओ इनवॉइस जीआरएन, पीओ इनवॉइस जीआरएन, ठीक है, पीओ इनवॉइस जीआरएन, ठीक है। तो पेमेंट कर दिया अच्छा, विदाउट पीओ, थ्री वे मैच करते ही सब कुछ गड़बड़ था ऐसे करके कर दिया। पीआर वाज नॉट अप्रोच बाय द, पीआर जो होता है ना परचेज रिक्वेस्ट, नॉट अप्रूव बाय द वर्टिकल हेड, पीओ वाज नॉट अप्रूव्ड ऐसे करके, तो ये सब हो गया। सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं था, तो नो प्रॉपर सर्टिफिकेट, ये सारा आपका आपका ये ऑडिट ऑडिट में अपने फ्रॉड वोड निकाला था, फेक परचेज, नो कोटेशंस वाज रिसीव फ्रॉम द वेंडर, बना मुनो के बोल दीजिएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फ्रॉड, ये सब होता ही है जा करके। कारो हो गया आपका अमेंडमेंट्स, इंटरनोड सीएजीआर शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स हो गए, एजिंग को लेके है, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग को लेके, टर्नओवर को लेके है। टेल मी समथिंग आउट सेल में क्या बोलेंगे, बोलिए। इंट्रोड्यूस। हाँ, और कोई चीज नहीं आएगा ना इसके, इतना करके नहीं आएगा, बोला सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द आंसर राइट नाउ, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, आई विल डेफिनेटली इंप्रूव अपॉन माय नॉलेज, आई विल डेफिनेटली इंप्रूव अपॉन माय नॉलेज, तो नहीं पता तो ना बोल, ना कर देना सीधे ही, ठीक है, 2 3 बार टेंशन मत लेना। क्या बोलेंगे, टेल मी समथिंग आउट सेल में फटाफट बोलिए। सर इंट्रोड्यूस या आफ्टर दैट, हाँ बोलिए आफ्टर जल्दी बोलिए। हाँ इंटरव्यू। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। माई सेल्फ साई लक्ष्मी फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा, माई स्कूलिंग इज फ्रॉम भुवनेश्वर एंड देन माई प्लस टू फ्रॉम बीजेबी कॉलेज भुवनेश्वर एंड सिक्योर्ड 87%, देन आई ज्वाइन बीकॉम इन बीजेबी ये सब कुछ ऑटोनॉमस मत कॉलेज विद बोलेगा, द कुछ नहीं बीकॉम बोलना ये सब एंड चीज, माय नेम इज साई लक्ष्मी, हमको पता है ये सब कुछ नहीं, आपका 80% जो होना चाहिए खेला वो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, 80% टाइम आर्टिकलशिप ही ओके बोलेगा, वो भी रेलेवेंट आर्टिकलशिप स्टेट ऑडिट, टैक्सेशन तो ओके टैक्सेशन, इंटरनल है तो इंटरनल, तो ना माय नेम इज साई लक्ष्मी एंड आई एम न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, जो भी है। अब उसके बाद आपका डायरेक्टली आ जाना, माय एक्सपीरियंस वाज मेजरली इन स्टेट ऑडिट, इन द स्टेट ऑडिट आई हैव डन वर्क थ्रू, टेस्ट ऑफ वॉक कंट्रोल, टेस्ट थ्रू, ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स, फिर डिटेल्स, टेस्ट ऑफ ऑडिट एरियाज कंट्रोल, ऑफ फिक्स्ड ऑडिट एसेट, ऑफ इन्वेंटरी, ट्रेड फिक्स्ड रिसीवेबल, ट्रेड एसेट, पेबल, ट्रेड रेवेन्यू परचेज, लायबिलिटी, अदर एक्सपेंसेस, रिसीव्ड। ये सब आपको बोलना है। आई वांटेड टू ज्वाइन अ कंपनी बिकॉज कारो रिपोर्टिंग शेड्यूल 3 रिपोर्टिंग सारा बोल दीजिएगा, इसे कीवर्ड असर्शंस ये जी सब चीज चेक किया। उसके बाद क्या है, आई वांटेड टू ज्वाइन अ कंपनी बिकॉज आई वाज डीपली इंटरेस्टेड इन स्टैट ऑडिट, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स यू लाइक टू नो फ्रॉम मी, इतना ही आपको मोटन की बोलना है बस, ये सब कीवर्ड्स बोलता है खत्म करें, फिर से एक बार बोल दिए लास्ट टाइम। माई सेल्फ साई लक्ष्मी फ्रॉम भुवनेश्वर, आई हैव रिसेंटली क्वालिफाइड माय चार्टर्ड नेम इज साई अकाउंटेंट लक्ष्मी, फ्रॉम। माय नेम इज साई लक्ष्मी, ठीक है। ओके, माई नेम इज साई लक्ष्मी, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा, आई हैव रिसेंटली क्वालिफाइड सीए फाइनल एग्जाम इन नवंबर 22 अटेम्प्ट, आई हैव डन माई आर्टिकल सेफ इन भुवनेश्वर इन बिग थ्री फार्म्स इन भुवनेश्वर एंड आई हैव डन इन आई हैव एक्सपीरियंस इन सॉरी सॉरी आई हैव डन इन वर्क आई हैव डन बेसिकली आई हैव डन वर्क थ्रू, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटोरीज एंड फ्यू इंटरनल ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट के बारे में नहीं बोलना सॉरी। सर इंटरनल ऑडिट और कंकरेंट ऑडिट के बारे में नहीं बताना। एक मिनट रुकेगा, पूरा बता दीजिएगा।
हाँ ठीक है, इनटू स्टेट ऑडिट ही बोलना है आपको ज्यादा करके, स्टेट ऑडिट और स्मॉल लिटिल बिट इन इंटरनल ऑडिट टैक्स ऑडिट, स्टेट इन टैक्स ऑडिट बोलना और लिटिल बिट इन इंटरनल ऑडिट टैक्सेशन ब्लॉक, ठीक है। फिर स्टेट ऑडिट क्या बोलना है आपको, फटाफट बोलिएगा इन स्टेट ऑडिट। माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड इन स्टार्ट ऑडिट एंड आई हैव डन वर्क थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड आई हैव डन ऑडिट एनालिटिकल ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर में क्या होता है, एसेट, वेरिएंस एंड रेशियो एनालिसिस होता है। रेशियो एंड वेरिएंस एनालिसिस कंट्रोल एंड आई टेस्टिंग हैव में क्या होता है, डन टेस्ट ऑफ डिटेल वाउचिंग होता है, टेस्ट देख ऑफ लीजिए डिटेल वाउचिंग होता है, वाउचिंग वाउचिंग। वाउचिंग वाउचिंग में टिक 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 जो किया है, और कंट्रोल टिक मार्क करता है ना वो, और कंट्रोल टेस्टिंग में डिजाइन कंट्रोल होता है, टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्ट, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन में एक दो सैंपल लेता है और टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में 40 से 50 सैंपल लेता है, 40 to 50 samples यू टेक इन द कंट्रोल टेस्टिंग, ये करके कंट्रोल देख अच्छा रहेगा तो आपका टेस्ट ऑफ डिटेल कम होगा ना, तो पड़ा होगा ऑडिट में, कंट्रोल ज्यादा होगा तो वो बात इंटरनल कंट्रोल कि आपने चेक किया, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स आईसीएफआर टेस्टिंग, आईसीएफआर मतलब रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स की है, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, रिस्क सही कंट्रोल है इसका ये है वैसे करके इसको बोल देना है। आईएफसी में क्या होता है, आईएफसीआर फ्रॉड और इंटरनल ऑपरेशनल कंट्रोल, ये सब आईसीएफ चीज और इसको बोलना है, ऑपरेशनल कंट्रोल। ओके ठीक है। तो ये वाला आप अच्छा से बोली थी, या फिर आपने ये सब रंगा बोलना है जो हम आपको बताया ना, क्या क्या चीज बताया अभी आपको, ऑडिट ऑफ डन फिक्स्ड एसेट, ये थ्रू तो ये ऑडिट बहुत ऑफ अच्छा फिक्स्ड चाहिए ना, एसेट आप एंड ही घर में रिसीवेबल बैठ के ये सबसे कैटेगरी। इंपॉर्टेंट हाँ इंप्रूव कर लेना, ये जो अभी बोला ना, ये हाँ जो चीज, हाँ ये जो हाँ पॉइंट बोला है ना, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, सारा वर्ड्स आपको आना चाहिए उधर में, आईसीएफआर आईएफसी टेस्टिंग ये सब, तो वो आपको क्रॉस क्वेश्चन ये सब भी पूछेगा, आपका काम इजी हो जाएगा फिर, ये 50 से 5 6 बार ये फोटो सारा कीवर्ड आ जाना चाहिए आपका, जो जो आपने काम किया है, फेयर वांटेड जॉइन ए कंपनी, एक बार बोलिए फटाफट में ये। माई नेम इज साइलक्ष्मी एंड आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा। आई हैव डन माई आर्टिकल्स इन आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन स्टार्ट ऑडिट एंड आई हैव डन वर्क थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर मीन दैट इज रेशियो एंड वेरियंस एनालिसिस एंड आई हैव डन ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, रेवेन्यू एंड कारो एंड आई एम डन थ्रू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स ऑल दिस एंड आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन स्टैट ऑडिट एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन स्टैट ऑडिट प्रोफाइल। ठीक है, ठीक है, तो एक बार फिर से बीट से बोलेगा ये वाला आंसर, रिपीट करेगा फटाफट में। हाँ देखिए, एक बार आ जाइए, क्या फिर बोल से रहे आ हो? जाइए, कंप्लीट कर देते हैं, एक बार फिर से आ जाइए। हाँ।